ऐसे सही। ये हमारी है जिसका मॉडल इको मॉडल, सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर। ये बकेट है 30 लीटर का, मिल्क टैंक है। ये बकेट आपका SS304 का बना हुआ है। उसके बाद ये हमारी क्लस्टर लाइन है, ये हमारी क्लस्टर लाइन है जिसमें 240 cc का क्लो है और ये क्लो बहुत हैवी क्लो है। उसके बाद फूड ग्रेड लाइनर है और SS के सेल है। ये देखिए फूड ग्रेड लाइनर का इसमें सिंबल होता है कांटे छिरी का। दूर से ले, ये फूड ग्रेड हमारा लाइनर है। और बहुत एक स्पेशल चीज है जो इसमें नोटिस करनी होती है कि ये क्लॉ का, इसको हम क्लॉ बोलते हैं, इसको लाइनर बोलते हैं, इसको SS सेल बोलते हैं, इन दोनों का वेट 2.4 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम हैंड से मिल्किंग करते हैं तो हमारा प्रेशर 2.4 kg का ही होता है। तो ये क्लॉ है आपका, और क्लॉ के साथ आप देखोगे एक मोटा पाइप लगा हुआ है। ये मोटा पाइप आपका बकेट के यहाँ पे कनेक्टेड होगा, ये पाइप जा रहा है, ये बकेट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा, बकेट के होल पे। उसके साथ आप देखोगे दूसरा एक पाइप है जिसको हम पल्सलेटर पाइप बोलते हैं। ये पाइप आपका यहाँ लगेगा क्लॉ के नीचे, और ये पाइप आपका लगेगा सीधा जाके पल्सलेटर पे। इसको हम बोलते हैं पल्सलेटर, ये मशीन का हार्ट है, ये आपका पल्सलेटर पे कनेक्टेड होगा। ये मशीन का ये पल्सलेटर, और ये है हमारा वैक्यूम गॉज। ये वैक्यूम गॉज है जो आपको प्रेशर बताता है, आपका प्रेशर कितना होगा। इसको हम बोलते हैं वैक्यूम एडजस्टर, वैक्यूम को ऊपर नीचे करना हो तो हम इससे करते हैं। अब मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ये सारी एसेसरीज, क्लॉ, लाइनर, रबर, वैक्यूम गॉज, वैक्यूम रेगुलेटर, पल्सलेटर, इसी बकेट के अंदर आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, पल्सलेटर इस पाइप के ऊपर चढ़ा देना है, और ये पीछे से ऐसे होल होगा, सिंपली इसको ऐसे प्लेस कर देना है। ऐसे प्लेस करने के बाद ये रबड़ है, पाइप है सॉरी, इन पाइप को, ये पाइप उतरे हुए आएंगे, इन पाइप को इसके ऊपर चढ़ा देना है। एक छोटा पाइप आपको मिलेगा, वो छोटे पाइप का एक एंड आपको बकेट पे चढ़ा देना है और एक एंड आपको मिल्किंग मशीन के फ्रेम पे चढ़ा देना है। दूसरा एक पाइप मिलेगा आपको, जो पाइप का एक एंड बकेट के ऊपर चढ़ेगा और पाइप का दूसरा एंड आपका क्लॉ के ऊपर चढ़ेगा, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब मिल्किंग मशीन से, पल्सलेटर से जो पाइप आएगा, दो पाइप आएंगे छोटे छोटे, वो आपके क्लॉ पे चढ़ेंगे। थोड़ा दूर से चले जाए। अब ये मशीन है, हमें मशीन को स्विच करना है। मैं अब यहाँ पे, और 0 और 1 का ऑप्शन है, अभी ये 0 पे है। अब आपको इसको 1 पे करना है। अगर मैं जैसे इसको 1 पे करूँगा और यहाँ से ऑन करूँगा, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब मशीन को हमें यूज़ कैसे करना है, मैं इस मशीन में आपको वो बता रहा हूँ कि एनिमल में यूज़ कैसे करना है। स्विच ऑन किया, इसको हम शटअप वॉल बोलते हैं। ये शटअप वॉल है, इस शटअप वॉल को आपको ऐसे पुल ऑन करना है। जैसे आप पुल ऑन करोगे, मैंने प्रेशर 0.04 पे सेट कर रखा है, प्रेशर वहीं पहुंच जाएगा। और सेट करने के लिए हमें ये नोब घुमानी होती है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं, ये वाला, इसको घुमाना होता है, अप एंड डाउन करना होता है, मूव ऑन करना होता है राइट और लेफ्ट पे। अब प्रेशर बिल्कुल सेट है, मिल्किंग के लिए मैं रेडी हूँ। अब मुझे मिल्किंग मशीन यूज कैसे करनी है, मुझे इसको पुल ऑन, इसको निकालना है और इसको ऐसे उल्टा करना है, अपनी हथेली पे रखना है, इसको मुझे बैंड डाउन करना है। मैं जितने अच्छे से इसको बैंड डाउन करूंगा बिल्कुल उतनी बेटर होगी। अब जब मैंने इसको बैंड डाउन कर दिया, नीचे से शटअप वॉल खींचा हुआ है मैंने, अब मैं क्या करूंगा, इस शटअप वॉल को दबा दूंगा। शटअप वॉल मैंने दबा दिया, अब मैं एक एक करके चढ़ाता जाऊंगा। ये चढ़ गया, अब मैं इसको उठाऊंगा, इसको थन पे चढ़ा दूंगा, इसको उठाऊंगा, इसको
ठंड पे चढ़ा दूंगा, इसको उठा दूंगा और इसको ठंड पे चढ़ा दूंगा। ये शटर बॉल दबा हुआ है, ये दबा रहेगा। जब ये चढ़ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली दबा रहेगा। अब मेरी मिल्किंग यहाँ से होते होते बकेट के अंदर जाएगी। अब जब मेरी मिल्किंग कंप्लीट हो जाएगी, जब दूध पूरा निकल जाएगा, इस शटर बॉल को मैंने खींच देना है तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ये तो था हमारा मिल्किंग का प्रोसेस। और मशीन को अगर आपने वॉश करना है तो वॉश भी इसी तरीके से करोगे। आप बकेट रखोगे पानी की बकेट रखोगे, शटर बॉल को दबा दोगे और इसको अंदर डाल दोगे। जैसे आप अंदर डालोगे पानी को सक करेगा, पानी बकेट में जाएगा, जहाँ जहाँ से मिल्किंग गई थी वहाँ वहाँ से आपका पानी चला जाएगा। और इस मशीन के अंदर एक NRV बॉल लगा है, ये आपको बकेट के लिड के पीछे लगाना है। जैसे ही आपकी मिल्किंग फुल हो जाएगी, बकेट फुल हो जाएगा, ये NRV बॉल ऑन हो जाएगी और मिल्क का फ्लो बंद हो जाएगा, मिल्क अंदर नहीं जाएगा। और बकेट के अंदर ब्रश है, ये ब्रश है पाइप साफ करने के लिए। तो ये एक इंस्टॉलेशन वीडियो था। और ये ट्रॉली है हमारी, ये ट्रॉली गैल्वेनाइज पेंट ट्रॉली है। होता क्या है कि जब हम मिल्किंग करते हैं, अगर हम इसमें कोई भी पेंट करेंगे तो वो पेंट फेड जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा काम अधिकतर यूरिन में होता है। तो ये गैल्वेनाइज पेंट है, इसकी शाइन जैसी अभी होती है लॉन्ग लाइफ तक वैसी ही रहती है। ये मोनोब्लॉक मोटर है, 1 HP का मोनोब्लॉक मोटर है, जिसमें वैक्यूम पंप कंबाइंड है, 200 LPM का वैक्यूम पंप है, बहुत बढ़िया मोटर है, साउंड भी इसकी कम है। और इसमें कोई ऑयल का चक्कर नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई बेल्ट नहीं लगी हुई, जिससे बेल्ट ब्रेक होने के बाद जो एक चांसेस होते हैं कि नई बेल्ट इजीली नहीं मिलती है। तो ये हमारा कंप्लीट एक इको मॉडल है, जो कि 30,000 रुपये का है और प्लस टैक्सेस।